आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गुमला सदर अस्पताल में सेंटर ऑफ कैटेलाइजिंग चेंज C3 की अगुवाई में सदर अस्पताल सभागार में स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय इकाई के सहयोग से राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई बालिकाओं के द्वारा उनके जीवन के महत्व से जुड़ी लिखित कथनों को प्रदर्शित करते हुए लोगों में चैतन्य स्मृति का बोध कराने का एक ऐतिहासिक पहल किया गया। तदुपरांत सभी बालिकाएं एकत्रित हुई और अतिथियों का स्वागत भी किया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला वाडर ने राष्ट्रीय बालिका दिवस सराहनीय कदम बताया और सभी लोगों को जागरूक होने की बात कही। श्रीमती वाडर ने बालिकाओं को संबोधित कर कहा कि अभी तो अंगराई है, जीत अभी बाकी है। गुमला झारखंड से अजित सोनी की रिपोर्ट। हमारा समाज को खोखला करते जा रहा है, तो आज आप ही लोग कल का पीढ़ी है, कल का भविष्य है। निश्चित तौर पर आप लोग समाज को बदल सकते हैं, इस गुमला जिला को बदल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं भगवान से भी कामना करती हूँ कि निश्चित तौर पर आप लोग जो कदम उठाए हैं, निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़िएगा। गुमला जिला को लोग एक मिसाल के रूप में जानेंगे। यहाँ आप लोग अभी शुरू शुरू में लोग देख रहे हैं तो लग रहा है कि क्या ये बालिका लोग उठपटा काम कर रही है। मैं बता देना चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे हो, लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित तौर पर अभी तो ये अंगराई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो बहुत सा चीज करना बाकी है। और कल का दिन में आप लोग भी, आप ही लोग एक अच्छी माँ बन सकते हैं, एक अच्छी समाज सेवी बन सकते हैं, एक अच्छा IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, जो भारत सरकार के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इसको मनाती है। लेकिन इस बार सरकार ने एक अच्छी पहल की है, स्वास्थ्य विभाग समाज कल्याण विभाग दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज एक एजेंसी है जो सरकार को, दोनों विभाग को, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों को तकनीकी सहयोग प्रदान करती है, खास करके किशोर किशोरियों के कार्यक्रमों को ठीक से संचालित करने में। सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग पिछले 15 साल से झारखंड में कार्यरत है और हम पूरे ज़िले में सरकार को मदद कर रहे हैं कि एक एक किशोर, एक एक किशोरियाँ स्वस्थ रहें। तो आज एक अच्छा अवसर है, जब राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन ये लड़कियाँ आई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने अनुभव रखे हैं कि किस ढंग से वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में अधिकार, अपना अधिकार हासिल कर रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी गैर बराबरी है समाज में लड़का और लड़की के बीच में, तो ये कैसे उसको हासिल कर रही हैं वो बता रही हैं और क्या कुछ और हासिल करना है उसके बारे में बातचीत भी कर रही हैं। इसमें कई सेविका, सहिया और गाँव के पीयर एजुकेटर्स हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने अपने अपने गांव में उत्कृष्ट कार्य किया है बालिकाओं को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। गुमला जिला को झारखंड सरकार हर कार्यक्रम में प्रयोग के रूप में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ये जिला फिर से एक लैब डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, मॉडल जिला के रूप में है, और यहाँ जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उसको फिर बाकी जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा, ये सरकार की हमेशा सोच रहती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम व्योमकेश कुमार लाल है। मैं